हम लोग मंत्रास ग्रुप के डायरेक्टर्स प्रज्ञा झुंझुनवाला और विभो टंडन जी आज बहुत ही खुश हैं कि हमारा जो मासा इनिशिएटिव है एमएसएमई एंड स्टार्टअप एक्सेलरेटर, शुक्रिया करता हूँ कि एक बार फिर से एमएसएमई को लेकर एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम यहाँ पर रचा गया है, क्योंकि मैं खुद फिल्म टेलीविजन मीडिया आर्ट और कल्चर के भारत का जो एमएसएमई सेक्टर है वो लगातार बढ़ रहा है और सही मानों में कहूँ तो भारत की जो अर्थव्यवस्था उसकी रीढ़ की हड्डी है। और आज नमस्कार, मैं सफीना जोसेफ, प्रेसिडेंट नारी शक्ति वुमेन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट, कर्नाटका बेस्ड एक ट्रस्ट है। और नमस्कार मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं परम श्रद्धेय आदरणीय श्री रजनीश गोयनका जी। मैं इनको एमएसएमई अस्सलाम वालेकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एमएसएमईज और स्टार्टअप्स की उत्कृष्टता को सम्मानित करता मासा सम्मेलन और पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में संपन्न। एमएसएमईज और स्टार्टअप्स की उत्कृष्टता को सम्मानित करता मासा सम्मेलन और पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में संपन्न हुआ। मासा सम्मेलन एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के योगदान की सराहना, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के विकास और नवाचार का जश्न मनाता मंत्राज फाउंडेशन। मासा सम्मेलन और पुरस्कार एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के योगदान का जश्न नई दिल्ली, द 14th of June 2024। मंत्राज फाउंडेशन ने गर्व के साथ मासा सम्मेलन और पुरस्कार समारोह का आयोजन किया, जो नई दिल्ली के PhD चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एमएसएमईज और स्टार्टअप्स की उपलब्धियों का जश्न मनाने वाला एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम एक बड़ी सफलता थी, जिसमें पूरे भारत के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों, उद्योग के नेताओं और उल्लेखनीय व्यक्तियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम ने देश के आर्थिक विकास और वृद्धि में इन उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। इस शाम को सम्मानित अतिथियों ने गौरव प्रदान किया, जिनमें श्री रजनीश गोयनका, अध्यक्ष एमएसएमई विकास मंच, श्री बी के सभरवाल, PhDCCI नई दिल्ली में कैपिटल मार्केट्स के अध्यक्ष सीए अशोक गोयल देवरा, पूर्व उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष भाजपा दिल्ली डॉक्टर संदीप मारवा, संस्थापक अध्यक्ष AAFT डॉक्टर शरद कोहली, KCC ग्रुप के संस्थापक और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री कैलाश गुप्ता, अध्यक्ष दिल्ली उद्योग व्यापार, और श्री अभिनव चतुर्वेदी, एक प्रसिद्ध अभिनेता शामिल थे। इस कार्यक्रम में युवा लेखक साईशा अग्रवाल, निखुंज आनंद और नायशा चीमा द्वारा लिखी गई 3 सूचनात्मक पुस्तकों का विमोचन भी किया गया, जो यंग माइंड्स एडटेक एडवाइजरी LLP के तहत प्रकाशित हुई, जिसकी स्थापना डॉक्टर तन्वी गुप्ता ने की थी। इसके अतिरिक्त पूर्व अध्यक्ष ICSI श्रीमती ममता बिनानी द्वारा लिखित एक विशेष MSME थीम वाली पुस्तक का अनावरण किया गया, जो इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस कार्यक्रम में 2 महत्वपूर्ण विषयों पर 2 आकर्षक पैनल चर्चाएं भी शामिल थी। पहली पैनल चर्चा MSMEs का भविष्य वित्त पोषण शीर्षक से, जिसमें वृद्धि और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय समर्थन प्राप्त करने की विभिन्न रणनीतियों और अवसरों पर विचार किया गया। दूसरी पैनल चर्चा MSMEs के डेटा और भविष्य को समर्थन देने में AI की भूमिका पर केंद्रित थी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे डेटा प्रबंधन और व्यवसाय संचालन में क्रांति ला सकता है, इस पर चर्चा की गई, जो उद्योग के भविष्य को आकार देने वाले तकनीकी प्रगति को उजागर करती है। AFT द्वारा प्रायोजित एक फैशन शो पावर वॉक के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें फैशन उद्योग की रचनात्मकता और नवाचार को प्रदर्शित किया गया। इस गतिशील प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और MSME क्षेत्र में मौजूद विविध प्रतिभाओं को उजागर किया। प्रमुख हस्तियों जैसे श्री राजत बैद, एक मचेंट बैंकर और IPO विशेषज्ञ, संजय गखर, MCX में बिजनेस डेवलपमेंट के क्षेत्रीय प्रमुख, और श्री आनंद चारी, BSE के SME और स्टार्टअप्स विभाग से, ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिससे इस कार्यक्रम का महत्व और व्यापक प्रभाव प्रदर्शित हुआ। मासा पुरस्कार ने नेटवर्किंग, ज्ञान आदान प्रदान और राष्ट्र के आर्थिक इंजन को संचालित करने वाली उद्यमशीलता की भावना के उत्सव के लिए एक मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम में वस्त्र, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, मीडिया और खाद्य जैसे विविध क्षेत्रों से MSME उद्यमियों और स्टार्टअप्स को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने अपने उद्योगों में योगदान दिया। मासा सम्मेलन और पुरस्कार जैसे विकास गुप्ता, मानेसर वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव, SMC ग्लोबल, PhD चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और TT कंस्ट्रक्शंस के बलदेव गुप्ता द्वारा प्रायोजित किया गया,
का उद्देश्य MSMEs और स्टार्टअप्स की नवाचारी भावना और उद्यमशीलता उत्कृष्टता को पहचानना और सम्मानित करना था। शाम के आकर्षण को और बढ़ाने के लिए उपहार भागीदार 360 लाइव दल एंड द लाइव ने उपस्थित लोगों के लिए विशेष उपहार प्रदान किए। मंत्राज फाउंडेशन MSMEs और स्टार्टअप्स के विकास और समर्थन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों, कार्यक्रमों के माध्यम से समर्पित है। नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के मिशन के साथ फाउंडेशन का उद्देश्य व्यवसायों के फलने फूलने के लिए एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। हम तो इधर उधर होते रहते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर और ये सारा इनका फोकस है। बिल्कुल, इस समय पता नहीं कितने नोट इन्होंने कमा लिए, बताते नहीं है। सारे के शेयर इनके लेके रखे हैं, इज अंडर देम। और जो एक्चुअली जिनके साथ बैठने का मुझे मौका मिला आज फिर, संदीप मरवा, आप देखो कि इनकी शक्ल जो है ना जी, वैसे रिश्तेदार है, मुझे तो अनिल कपूर लगते हैं जी। और वैसे इनकी रिश्तेदारी भी है। मैं एक दिन इनकी पार्टी में था, अनिल कपूर, बोनी कपूर सब थे वहां पे। और ही इज सच ए मल्टीफेसेट पर्सन। मैं इसलिए नहीं कि ये यहाँ बैठे हैं इसलिए बात कर रहा हूँ। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद हिज पर्सनैलिटी, ही इज सो हम्बल। आज 5 मिनिस्ट्रियों की तो नेशनल बोर्ड में और उनकी उसमें चेयरमैन है। अभी बता रहे 76 कंट्रीज ने इनको अपना डी फैक्टो एम्बेसडर अपॉइंट किया, नॉमिनेट किया। एंड इनकी एक हम्बलनेस है, ही सेड आई एम फॉर MSME, आई एम फॉर स्टार्टअप्स। और अभी ये जिस सब्जेक्ट में आपसे बात करेंगे, आप इनको सुनेंगे तो हम लोग यानी कई बार ना ये बोल रहे हैं, हम बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि ही स्पीक्स इन सच ए फ्लो। इनके पास इतना कंटेंट है, इतना सब कुछ है, हम संदीप और नीचे हो जाते हैं। चलिए तो मैं मतलब सबकी कहती दो। और देश अगर चाइना का ऑल्टरनेटिव बनना चाहता है, जो कि वर्ल्ड देख रहा है, वर्ल्ड बनाना चाहता है, तो हमें अपने MSMEs को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेरा दूसरा ये है कि MSMEs शुड ज्वाइन, दे शुड ज्वाइन टुगेदर, दे शुड कलेक्ट कलेक्टिवली। जब काम होगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारे इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे। और हमारे पास, मैंने एक्चुअली प्रज्ञ भाई इनको इसलिए करा मोटिवेट, अल्टीमेटली इन्होंने MSMEs को वहाँ तक पहुँचाना, ठीक है ना। दे आर द पीपल, दे आर योर एम्बेसडर्स। आपने जो आज प्रोग्राम किया, मेन जो है सफलता इनके कारण होगी। मतलब जो ऑडियंस है वो तो होगी, पर दे आर, अभी मुझे संदीप भाई से बात हो रही थी, कितना ये मन में लेके बैठे हैं, कहाँ तक आपको ये ऊपर लेके जाएंगे। MSME के बारे में देखिए, देयर आर सो मैनी पीपल हु विल स्पीक। मैं भी बोल बोल के मेरा टेप रिकॉर्ड थक गया कि सर MSME ग्रो करो इस देश में, इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किसी दुनिया में नहीं है। अभी रशिया ने मेरे को बुलाया MSME का समझने के लिए कि हाउ इंडिया इज ग्रोइंग। सो वर्ल्ड में यू आर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड, आप सिर्फ ये है कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लीजिए। आने वाले 5 साल जिस MSME ने पैसे नहीं कमाए वो घर छोड़ दे। इतनी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड, और स्पेशली फॉर MSMEs। उसमें क्या है, 3 C चाहिए, करेज, कन्विक्शन एंड कंटिन्यूटी। 3 चीज़ें करिए एंड यू हैव द, हमारे पास सब कुछ है। अभी मरवा जी ने इनवाइट किया कि इनके स्टूडियो में, हमारे पास 1800 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है। IID रिसेंटली जॉइंड अस इन द फोरम, उनके हम आपको किसी दिन अलग से बुलाएंगे और आपको प्रेजेंटेशन देंगे।
प्रज्ञा मुक्ति मैडम, थैंक यू जी, नमस्ते। Thank you so much, Shri Rajneesh Goenka ji, for such an extensive and detailed address. Thank you so much. I would now like to invite Shri B.K. Sabrawal ji, Chairman of the Capital Market and Commodity Market Committee, PHCCI, which is focusing on understanding the financial objectives and requirements of clients. May I have the pleasure to have Dr. Shri B.K. Sabrawal ji for his address. First of all, I thanks all the honorable audience on the dais. Rajneesh ji has said something. I will certainly like to counter few of the things out of what he has said. Rajneesh Goenka ji had been my colleague in PhD chamber for last 16 years, sir, at least, and he was the Chairman of the MSME committee of the PhD chamber also. I respect him for one reason more also, that he was to become a part of the management of PhD. He was due to become even the president also, but because of certain politics he could not. But I know his capacity, that as a Chairman of MSME committee here and now in MSME Development Forum. I will just take few seconds, Pragya, if you allow me, for PhD is the oldest chamber in the country. It's from 1906. My two other colleagues, executive, I will talk of them. Just Sandeep Marwa ji also is a part of the managing committee of the PhD. He used to head the entertainment committee, and we remember him that the maximum programs in the entertainment committee is, if done by anyone, it is done by the Dr. Sandeep Marwa only. And as told by Rajneesh ji, he is a brand ambassador of 76 countries, and his performance as far as this particular sector is concerned is par excellence. I can only use this word. My younger brother on the dais, Mr. Ashok, a professional colleague also, Mr. Ashok Goyal Devraji, though it was told that he was the ex-vice president of the BJP, I am not talking of the ex only. He is going to be the next MLA of the BJP from the Model Town constituency and will be the part of the Delhi government, because now the Delhi, we are sure that BJP government will come back. My another professional colleague on the dais, Mamta ji, who was the president of the Institute of Company Secretary, and now she is also, as I am told, that part of Pragya as well as Rajneesh Goenka also. But yes, a true professional. I was told by her husband, is known, a student is her husband's friend. So I know her for that reason. And today only I had discussed with her. 12 issues are coming. She said she is preparing for that. And sky will be the limit. I will like to tell Rajneesh Goenka ji also. I request everyone to please silent their mobile phones. हमारे को ये सभा की गरिमा बनाए रखने के लिए कृपया कुछ क्षणों के लिए अपने मोबाइल फोन साइलेंट पे रख दें। I will like to tell Rajneesh Goenka ji also that this is the high time the Bombay Stock Exchange person who is looking after the MSME registration is right among us. It is the high time that when we can start thinking of more and more MSME to come in the public. And let me tell a little bit about the others and then I will be speaking on. I will like to contour that to it. Mr. Sharad Kohli ji is a true economist. He is seen on many TV channels. I used to come previously, but now I have seen him there. And
many of us stockbrokers are the larger investors of the country follow his advice also. And that's what Mr. Sharad Kohli ji is also among us. As Rajneesh ji said, that we are not together. MSME is about bank, sir. It has only to become together. There are 6.7 crore MSMEs in the country. If you say an average 10 people are also employed by them, if not more, then there are 60 crore people who are, and we are talking of startups also today, there are 1.17 lakh startups there. I was just discussing with Pragya and before even yesterday also, that there is a lot of opportunity in this sector. Many of my professional colleagues are sitting in front of me also, few managing committee members, few other senior professionals, though I am not naming because I will be crossing my time. But let us take it this way, though I am in the helm of the affairs of the capital market for last 20 years, being in most of the association and associated with the capital market committee. PhD is an organization since 1906. They have indirectly 150,000 members, and one of the highest MSMEs are our member. Now it is a time that when Rajneesh Goenka, Pragya, the economist, and even if Sandeep Marwaji and politicians, if they joined hand together, the sky can be the limit. If more and more issues of MSMEs comes in Bombay or in NSE emerge, we will become, Goenka sahab, we are going, MSME is going to become a vote bank bigger than, I am saying, bigger than even the farmers of the country. Today, because of the casteism, the few votes have gone to the other side. But if MSME unites, I am telling you, we being the capital market people know that what is the potential of the MSME. Today, most of the issues which are coming in MSME, sir, they are being oversubscribed from 100 times to 800 times. A person is asking for 60 crore of rupees and the offer is coming for 10,000 crores of rupees. That is the potential. Because another 5 years stable government has come, and without making MSME progress, MSME is a dream of the current Prime Minister, and without taking MSME forward, it will not be possible. So we invite you also, all of you, that who wants to tap the financial markets or tap the capital market, there is a huge potential, and the early mover advantage will be there for those MSMEs. There are some norms. The Bombay Stock Exchange person is right there with us. We can understand from him even later also. Immense potential is there, and then even the capital is likely to grow. What MSME needs today is the money to run the companies, and the money can come from the capital market. Even today has touched the all-time high, even today also. And MSME is going to turn, I will like to also mention, the company's topmost company of the country, Infosys, also got listed in the exchange as an MSME only, as an SME only. And there are more than hundreds of companies who got themselves registered as SME, and today they are the top 200 companies of the country. So we have to tap our potential ourselves. That's why, sir, I am sorry that I am contradicting you, but the fact remains that if we unite, and this is the time when sky will be the limit for MSMEs and SME. My time is getting over, otherwise, as Rajneesh ji told, for the capital market or for SME, I can speak even for hours also. Thank you.
सभी को मेरा नमस्कार। और आज इस पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इमीडिएट डायस पे बैठे हुए मेरे बहुत ही मित्र और एमएसएमई के लिए जिन्होंने अपनी बहुत जान लगाई और उनकी बातों से जो झलक भी रहा था पेन, तो ऐसे रजनीश गोयनका जी एक बार जोरदार उनके लिए ताली बजाती। सबरवाल जी जो कि उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे थे, मेरे शब्दों में उनको सप्लीमेंट कर रहे थे, उनके पेन को सप्लीमेंट कर रहे थे। तो ऐसे हमारे मित्र सबरवाल जी, शरद कोहली जी, संदीप मारवा जी, बलदेव जी, ममता बियानी जी, विभो टंडन जी, प्रज्ञा जी जो खूबसूरती से इसका संचालन भी कर रही है और समय समय पर बता भी रहेगी, और टाइम इज आउट एंड यहाँ पर बैठे हुए सभी एमएसएमई के मेरे भाई और बहनों, मैं सबको आपको नमस्कार करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, एमएसएमई इस हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और सही मानों में जो हमारे आत्मनिर्भर भारत का जो मूल मंत्र है वो एमएसएमई है। महात्मा गांधी जी ने कहा था बहुत वर्षों पहले कि हमें अधिक से अधिक प्रोडक्शन चाहिए, लेकिन वो प्रोडक्शन कैसा चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व, यानी कि हमें वी नीड प्रोडक्शन ऑल्सो बट वी नीड पीपल ऑल्सो, जो उसको ज्यादा लोग उसको प्रोडक्शन को करें। और जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जो आर्थिक चिंतन था वो भी यही था कि जब तक अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा तब तक ये देश महान नहीं बन सकता। और कुल मिलाकर इस देश के अंदर आज हमारी 140 करोड़ देश की आबादी है, ये महात्मा गांधी जी के वक्त हम 50-52 करोड़ थे। तो उन्होंने देखा कि एक इम्बैलेंस है, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है। जब तक हम उन सब लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, जब तक उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगा, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। और आज जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो जो महात्मा गांधी जी का जो विजन था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विजन था, उसी विजन को आगे लेकर नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। और उनकी हर बात के अंदर, जैसे कि अभी रजनीश जी ने कहा, सबरवाल जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अगर उनकी सबसे बड़ी कोई प्रायोरिटी है तो वो एमएसएमई, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी दुनिया है जो बरसों से उपेक्षित थी। लोग इनको एक इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर देखते थे, छोटी छोटी इकाइयां। अभी जैसे उन्होंने बताया कि 6 करोड़ से भी ज्यादा ऐसी इकाइयां हिंदुस्तान में हैं और 50-60 करोड़ से भी ज्यादा लोग उसमें काम करते हैं। आज उद्यम पोर्टल में 1,85,00,000 ऐसी एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड हो गई है जो अपने आप में जिसको फॉर्मल सेक्टर करने का काम इस सरकार ने पहली बार किया है, जिसमें 11,70,00,000 में आज डाटा पड़ रहा था कि ये ऑफिशियल फिगर है भारत सरकार की, 1.85 करोड़ एंटरप्राइजेस एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं और उसमें 11,71,00,000 लोग आज के दिन काम कर रहे हैं। और ये जो इनफॉर्मल का जो फॉर्मल के अंदर इंक्लूजन हो रहा है, आज आप देख रहे हैं कि जीएसटी बढ़ रही है देश के अंदर, कहां हम 80,90,000 करोड़ से शुरू हुए थे, अभी 2,00,00,000 करोड़ हमने हो रहा है। आज जो एमएसएमई है हमारी जीडीपी में उसका 29% शेयर है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास मनी पावर नहीं। अभी रजनीश जी कह रहे थे आज 29% हमारी जीडीपी में जो शेयर है वो एमएसएमई सेक्टर का है। और हमारा जो पूरा एक्सपोर्ट जो बढ़ रहा है, अभी पीयूष जी बता रहे थे कि हमने कितना बिलियन एक्सपोर्ट हमने ऑल टाइम हाई किया है और अभी टारगेट 1,000 बिलियन पे है, तो उसमें 30% हिस्सा एमएसएमई सेक्टर का है। यानी कि जो एमएसएमई सेक्टर है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और पिछले 10 सालों में जो नरेंद्र मोदी ने किया है और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, मैं ये कह सकता हूं कि एमएसएमई के लिए अगर मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी भगवान है तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितना काम पिछले सालों में किया, उन्होंने कहा कि भाई कैसे प्रमोट किया जाएगा, पहले तो इनकी परचेजेस कैसे हुई, उन्होंने कहा कि जितनी भी सरकारी परचेज होगी उसका जो 25% हिस्सा है वो किससे आएगा, एमएसएमई से आएगा, रिजर्व कर दिया, रिजर्व कोटा का डाल दिया, जैसे कि हमने आजादी के समय कोटे डाले थे, ऐसा ही कोटा उसके डाल दिया, उसी में एक कोटा और डाल दिया कि उसमें से 3%
वुमन एंटरप्रेन्योर होंगी जिनसे लिया जाएगा। यानी कि देखिए आप कितनी बड़ी बात इस सरकार ने किया, और 200 करोड़ रुपए से जो परचेजेस होंगी उसका ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। यानी कि अभी तो पहले तो सरकार एक ग्लोबल टेंडर करती थी, अगर 100 करोड़ पे भी ग्लोबल टेंडर करती थी, बाहर की कंपनियां आकर उसमें अपना टेंडर देती थी, क्वालिटी उनकी अच्छी, रेट भी उनका कम, तो कौन परचेज करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि हम लोग 200 करोड़ रुपए तक की जो भी परचेजेज होगी उस पे सिर्फ भारत की ये कंपनियों से करेंगे, जिसका के सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कोई है तो वो कौन है, वो एमएसएमई सेक्टर है। तो कितनी बड़ी बात, और ये उनका विजन है। वो कहते हैं कि आपको आगे आकर परफॉर्म करना है, आगे बढ़कर परफॉर्म करना, अपनी क्वालिटी अप करनी है, अपने रेट्स को कम करना, अपने स्केल को बढ़ाना है। कल को आप लोग आकर ये रजनीश गोयनका जी एक डेलीगेशन लेकर आएंगे, ये 200 करोड़ नहीं या 500 करोड़ का ग्लोबल टेंडर नहीं होना चाहिए, ऐसी मांग आपकी तरफ से आनी चाहिए, और आप लोगों के अंदर इतना जज्बा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर पिछले दिनों के अंदर जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, भारत ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और भारत आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और भारत एक स्काई बिल्कुल क्लियर है। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि तीसरी बार मैंडेट कम मिला है और इस बार कुछ ऐसा लगेगा, लेकिन मैं अभी निर्मला सीतारमण जी का वो अभी कल ही परसों को स्पीच सुन रहा था, और वो कह रहे थे कि जो हिंदुस्तान के जो खिलौने वाला उद्योग है वो मेरी टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि हम लोग भूल गए कि खिलौने तो भारत में ही बनते थे। भारत ही ऐसा देश था जहां पर बच्चे खिलौने बनते थे। हम लोग धीरे 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 अपने कारीगर को हमने स्किल नहीं किया, हम लोगों ने उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं की। आज बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो भारत सरकार इन दिनों भी कर रही है कि रैंप स्कीम के द्वारा अपग्रेडेशन कर रही है, और आईपी फैसिलिटेशन सेंटर के द्वारा उनको एम्पावर कर रही है, ट्रेडमार्क रजिस्टर कर रही है, कितने सारे काम जो भारत सरकार है वो एमएसएमई उद्योग के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाला दिन, जैसे कि उन्होंने कहा हैंड होल्डिंग भारत सरकार ने की जब कोरोना था, तो कुल मिलाकर आप ये देखिए कि भारत सरकार ने कहा कि ये मोदी सरकार ने कहा कि ये एमएसएमई कहीं मर ना जाए, कहीं ये इसका नुकसान झेल ना पाए। उन्होंने कहा कि बगैर किसी गारंटी के, गारंटी किसकी थी, मोदी की गारंटी थी, गारंटी मेरे एमएसएमई भाइयों के लिए गारंटी मोदी की थी। उन्होंने कहा कि जितना लोन एमएसएमई ने ले रखा है उसका 20% लोन बगैर गारंटी के सारे बैंकों को ऑर्डर कर दिया कि इसकी गारंटी भारत सरकार की है, आप हमारे एमएसएमई भाइयों को दे दो। तो मैं उसका डाटा पढ़ रहा था कि 1,19,00,000 लोगों ने, यानी कि एंटरप्राइजेज ने, और करीब करीब 19,00,000 करोड़ रुपया वो भारत सरकार ने उस पीरियड में दिया उनकी हैंड होल्डिंग करने के लिए। और उसके बाद आपने देखा कि कितने फ्लाइंग कलर से एमएसएमई ने काम किया, और उन्होंने परफॉर्म करके भी दिखाया। पीपी किट पूरे हम चाइना से और पता नहीं कहां कहां से इंपोर्ट करते थे। नितिन गडकरी जी हमारे मंत्री थे, मैं उनको सुन रहा था, गडकरी जी ने बताया कि मैंने पीपी किट के लिए लोगों को ट्रेन किया और हमारे एमएसएमई सेक्टर ने प्रूव करके दिखाया। और बाद में नरेंद्र मोदी से उन्होंने परमिशन ली कि हम पीपी किट को एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ कीजिए हमें, क्योंकि हमारे जो एमएसएमई सेक्टर ने परफॉर्म करके दिखाया और 100 से ज्यादा कंट्री में पीपी किट को एक्सपोर्ट किया। उसका जितना भी श्रेय दिया जाए वो हमारे एमएसएमई सेक्टर को देना चाहिए कि उन्होंने उस कोविड काल में भी परफॉर्म करके दिखाया। सैनिटाइजर था, जो सैनिटाइजर को भी बनाने में जो हमारे इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, बहुत सारी चीजें ऐसी है। मैं वो खादी उद्योग को देख रहा था कि आज से 8 साल पहले 25,000 करोड़ की सेल थी, और पिछले 8 साल में 4 गुना, यानी कि 1,00,000 करोड़ की सेल को क्रॉस करने का काम हमारे खादी उद्योग ने किया, जो कि सबसे बड़ी वेंडर है एमएसएमई की। इस बात पे जोरदार तालियां हो सकती हैं, बिकॉज देखिए आज हम लोग के साथ जब इस तरह के वरिष्ठ नेता जुड़ते हैं और हम लोग से स्टेटिस्टिक्स शेयर करते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा पर्पस होता है कि हम लोग को भी पीठ थपथपाने वाला काम होता है। धन्यवाद भैया, प्रज्ञा जी ने साउंड किया है कि समय बढ़ रहा है, लेकिन मैं आपको ये अश्योर करना चाहता हूँ, जैसे कि रजनीश जी का, सबरवाल जी ने कहा कि आप आगे बढ़िए, परफॉर्म करिए, सरकार आपके दरवाजे पे खड़ी है। नरेंद्र मोदी की सरकार टू वे कम्युनिकेशन करती है, आप लोग जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा वो सोचती है, आप जो उनसे चाहते हैं उससे ज़्यादा वो करना चाहती है। अगर आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 10 कदम सरकार आपकी तरफ आएगी। जितनी भी आपकी मांगे हैं जिससे कि ये इंडस्ट्री चल सके, इसको क्रेडिट मिल सके,
तो कुल मिलाकर जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि एमएसएमई कैसे चलेगी अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा टाइम पे, तो मैं किसी टाइम पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रिटेल में डायरेक्टर था, तो उस वक्त ये प्रोविजन लेकर आया कि जो 31 मार्च को एमएसएमई का पैसा आउटस्टैंडिंग है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, यानी कि पीएसयू को बताना पड़ेगा, नेम एंड सेम होगी। और अब उससे आगे बढ़ गए कि भाई इनकम टैक्स में भी अमेंडमेंट आ गई है कि भाई जो आदमी पेमेंट नहीं करेगा उसको एक्सपेंसिस अलाउ नहीं होगा, जिसके लिए कितनी बड़ी सजा उस कंपनी को मिलती है कि डिसअलाउ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एमएसएमई के लिए, जिसके लिए विरोध और प्रदर्शन भी हो रहे हैं, हम लोग जाते हैं तो सुनते हैं उनसे कि ये क्या हो गया है, क्योंकि इट इज अ फेवर टू एमएसएमई और भारत सरकार लगातार आपके साथ खड़ी है। आप जितना परफॉर्म करेंगे, जितना काम करेंगे, मैं आपको वादा करता हूं और ये अश्योर करता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। आपने मुझे सुना, पीएचडी चैम्बर ने मुझे अवसर दिया, मैं पीएचडी चैम्बर का भी बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ऐसे डिबेट डिस्कशंस होते रहने चाहिए, क्योंकि इन्हीं से कुछ कंसेंसस बनते हैं, इन्हीं से कुछ बातें निकलती है जो आगे आने में, देश को बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में, देश की दिशा को बदलने में और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्लेटफॉर्म चाहिए, सो आज मासा का एक बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव। फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एजुकेटर, जर्नलिस्ट एंड बिजनेसमैन, ही इज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन एंड नोएडा फिल्म सिटी। आई वुड लाइक टू इन्वाइट सर फॉर हिज इनसाइटफुल एड्रेस। He's committee member of PHDCCIO. Thank you very much, ma'am. Yeah, good afternoon, everyone. What a pleasure to be here this afternoon with all of you on this beautiful, well-designed program at PhD. Let me take this wonderful opportunity to extend my heartiest congratulations to the organizers and also my special thanks for inviting me here and giving me this wonderful opportunity to be part of this program. Respected Goenka ji, Sabharwal ji, Ashok ji, Sharad ji, Mamta ji, Vibhor ji, Gupta ji, or Jhunjhunwala Madam ji, or ladies and gentlemen, let me start with two lines which I am recollecting. Ke swayam vidhata hove manav, antar mein vishwas jagao, chalo na mitte pad chinno par, apne raste aap banao, apni aatm jyoti par nirbhar, apne surya swayam ban jao. Now what I am trying to tell you here, God has been actually very kind. He has bestowed upon us all those powers which He possesses Himself. G-O-D, God, an unseen power which can generate, which can operate and which can destroy. Isn't it right that God has bestowed all those powers to us? It is entirely up to us that which power we would love to use for which purpose. And I think if I'm not wrong, it's a high time for all of us, especially for MSMEs, to take this as a tone of the day and start working rigorously for the promotion of the country. And if I'm not wrong, any industry which has gone out of way to use this power is no other than media and entertainment industry. My dear friends, without taking much of the time, I know time is a limit today, but I just want to inform you that media and entertainment industry is one of the best industries today in this country, which is growing at the rate of 12% to 14% per annum, whereas the total GDP has been growing at the rate of 7%. I mean, I've been a member of management committee for PhD Chamber of Commerce for now almost 19 years. And 10 years back, we realized that it is very important to actually have another chamber to look after the media and entertainment industry in this country. And we created International Chamber of Media and Entertainment Industry. And I'm happy that because of that new chamber, which is now 10 years old, the purpose of the chamber was also only to support the vision of our Honorable Prime Minister to have best of the relation possible with each and every country of the world. Yes, imagine an industry which makes around about 2,000 feature films in a year. We make around about
200,000 hours of television program. We have almost 350 radio stations, 950 television stations in this country, 40,000 newspapers in 28 different languages, and another 40,000 magazines which are in 28 different languages, almost 120 crore mobiles, out of which 60% of mobiles are smartphones. Imagine the size of the industry. And pre-pandemic, I must tell you, because why emphasis on this industry? Because the whole industry is nothing but MSME. The whole industry is working in MSME, and the turnover of this industry was almost 1,80,000 crore pre-pandemic, I'm talking about. And after a huge massive losses during pandemic, this industry is the first one which has jumped back, and now we are about to touch 3,80,000 crore rupees in this industry. We are about to touch 4,00,000 crore probably in another year or two, and I'm happy that media and entertainment industry is going to be the sixth biggest industry of the nation. I think nothing more can be said of as far as this industry is concerned. And I'm coming back to the first two lines, because those lines represent nothing but a beautiful word which has been actually quoted by our Honorable Prime Minister. That the word is, which my friends have already uttered many times, Atmanirbhar. It's very important to remember this word Atmanirbhar. If you look at the literary meaning of this word, it means self-reliant or self-sufficient. But being ambassador of Atmanirbhar, I have given a new definition to this word Atmanirbhar. In my language, when I say A stands for being ambitious. Time has come when everyone has to be ambitious, rather over ambitious, to look into new projects, new setups, new businesses, new startups, so that we are today the fifth biggest economy in the world, and we are marching towards third biggest. That is only possible if you have that kind of enthusiasm and a dream to look upon. And dreams are not the one which comes in your sleep. Dreams are the one which should never let you sleep. When I say T stands for techno-savvy. Pandemic has taught us enough, I think. During pandemic, we have learned how to operate mobiles, how to operate laptops, how to operate new applications. But mindset has to be absolutely open to accept many new things which are marching towards us, including artificial intelligence, blockchains, metaverse, and many new applications which even I don't know and you don't know. In a span of another 3-4 years, the techniques are going to take over all sort of businesses, whatever business you are in. So you have to be mentally prepared for that if you really want your business to grow in a much bigger and a better way. When I say M stands for being motivated. Nobody's going to come and say, come, I am going to motivate you. But then I think motivation we have to bring from our own self if we want all these MSMEs to grow in life. Yes, because motivation is not for sale, by the way. Otherwise, you would have gone to any of these markets and would have purchased maybe in some kg or some grams. But it's not available. So we all have to be self-motivated to see to it that whatever business we are doing, whatever little or big business we are doing, we have to raise to a new height, new level, and every day we have to raise the level of our income and our business. When I say A, the next A stands for attitude. Time has come and we have to go back and bring back our culture into the system. We all have to be very humble, polite, down-to-earth, supporting, compassionate, passionate, and sympathetic, so that we should be able to support each other to come up. If we are not going to bring that kind of an attitude into our system, probably we may not be able to reach to all those dreams what we are planning for the next few years. When I say N stands for being nationalist. You have to be nationalist, patriotic. You have to love your country. Unless and until you're going to love your country, you can never grow. Because the minute you feel that, yes, I love my country, a new energy comes in and you start working probably more hours of work, more money you are ready to put in, more standards and levels you're going to raise in a shorter period of time. And I can only say that, ke jis aur chale hum masti mein,
झुक जाए उधर अंबर भूतल, आजाद वतन के बाशिंदे, हर गीत हमारा है बादल, विभिन्न प्रांत है अपनी अपनी कटन तो होने दो जिस ओर चले हम मस्ती में, झुक जाए उधर अंबर भूतल, आजाद वतन के बाशिंदे, हर गीत हमारा है बादल, विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। इसी बात पे जोरदार तालियां, और हम लोग संदीप जी से और सुनेंगे इनके फैशन शो में, बहुत सुनना बाकी है। तीन लाइनें और बोलना चाहूंगा। व्हेन आई से आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, यू हैव टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन absorbing the information, divide your information into two major things, nice to know and necessary to know. Necessary to know grabs fast, nice to know you can always delay it. And when I say R, R stands for research. I'm very happy because I've been working on research for 30 years and I'm three of the major programs which Prime Minister Office has accepted me. I have no time to discuss that. But yes, research is one of them, and research, keep in mind, unless until you go back and learn a little more about your businesses, the past, the current, and what all happened, including your own history, you will never be able to take a very strong and a bold step. When I say B stands for believe in yourself, develop a conviction, and then start working. Believe in government, believe in administration, believe in your staff, believe in your people, believe in your suppliers and buyers. You're bound to do better than what you're doing today. H stands for humanity. I believe there is no religion which is better than humanity. Keep your personal religions in your doors, and the minute you are out of your house, humanity should be the only religion for Indians, I think. And last but not the least, when I say A, here A stands for all-rounder. Learn little more than what you are already doing, because you never know, things are moving so fast in India. Probably you may be able to catch on another very important business in a just short period of time, and maybe doing better than what you are doing in your last business. And the last is R, which means result-oriented. So anything and everything what you are trying to get into, please remember it must bring some kind of result. With all these words, I extend my heartiest thanks to you, ma'am, for inviting me here. And before I leave, I must say that ke vibhasit kar gagan bhutal, timir ko jyoti deta chal, nirasha ke andhere ko mita de le prabhanjan bal, kahi punam amavasya, kahi uljhan, kahi phislan, कहीं कांटे कहीं पहरा, कहीं पहरा कटिल बंधन, यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं होठे उज्जवल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं होठे उज्जवल। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। And while on the dais, हम लोग मंत्राज ग्रुप के डायरेक्टर्स प्रज्ञा झुंझुनवाला और विभो टंडन जी आज बहुत ही खुश हैं कि हमारा जो मासा इनिशिएटिव है, MSME एंड स्टार्टअप एक्सेलरेटर इनिशिएटिव, ये आज दिल्ली में लॉन्च हो गया। ये एक इनिशिएटिव है, इवेंट नहीं है। इसमें हम लोग MSME स्टार्टअप्स, जो बैंकर्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, ये एक जोड़ने का एक बहुत बड़ा एक चेन है, प्लेटफॉर्म है, B2B प्लेटफॉर्म, जिसमें हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हम लोग विश्व गुरु बन के उभर के आए, भारत एक विश्व गुरु बन के उभरे MSMEs और स्टार्टअप्स के माध्यम से। तो आज का जो कार्यक्रम था, इसमें हम लोग ऐसे SMEs को इनवाइट किए थे जिन लोगों को नॉलेज शेयरिंग चाहिए कि कैसे फ्यूचर फंडिंग करें, और उसके लिए हम लोगों ने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बुलाए थे। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स में हम लोगों के पास NSE, BSE, मल्टी कमोडिटीज़ एक्सचेंज, बैंकर्स, सब ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा पैनल डिस्कशन किया कि हम लोग किस तरह फ्यूचर में अपने आप को फंड कर सकते हैं। हमारे चीफ गेस्ट के रूप में VK सिंह जी, जनरल VK सिंह जी आज खुद प्रेजेंट नहीं हो पाए, लेकिन उनकी शुभकामनाएं अपने मैसेज के द्वारा उन्होंने हमारे पास भेजी, और हमारे MSME डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन रजनीश गोयनका जी, VK साबरवाल जी PhD चैम्बर्स ऑफ के कमोडिटी चेयर एक्सपर्ट कमेटी में, तो सब ने मिलकर
अपने प्रेजेंस के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, एक जो सबको एक जुनून दिया, मोटिवेशन दिया कि हम लोग सब MSMEs के साथ हैं। क्योंकि जब तक सारे जो लेग्स हैं, वर्टिकल्स हैं, सबके एक्सपर्ट्स एक साथ नहीं जुड़ते हैं तो MSMEs को हिम्मत नहीं आती है। और आगे का जो कार्यक्रम है विभोर जी पूरा डिटेल्स में बताएंगे। विभोर जी, हमारा ये मानना है भारत में और पूरे विश्व में अगर हमें किसी तरह की क्रांति लानी है तो वो सिर्फ एक ही क्रांति है, और वो क्रांति ऐसी है कि जिसमें हर व्यक्ति खुशहाल हो, हर घर में खाने के लिए रोटी हो, खाना हो, और हर व्यक्ति समृद्धता की तरफ, यानी समृद्ध होने की तरफ अग्रसर हो रहा हो। एक वाणिज्य संगठन की, एक चेंबर ऑफ कॉमर्स की, या किसी भी व्यवसाय एसोसिएशन की एकमात्र उपलब्धि यही है कि वो कितने ज़्यादा लोगों को ऊपर उठा सकता है, कितने ज़्यादा लोगों को ऊपर की तरफ धकेल सकता है। ना वो पॉवर्टी लाइन तो दूर की बात है, बल्कि हम उनको ये कह सकें कि वो अफ्लुएंट के सेगमेंट में आए ज़ीरो से उठकर, तो ज़ीरो से लेकर वो 10 तक या 100 तक पहुँचे, यही हमारा सबसे बड़ा एक चैलेंज और हमारा सबसे बड़ा अवार्ड यही है। और हम MSME एंड स्टार्टअप एक्सेलरेटर के माध्यम से यही करना चाहते हैं कि अगर 10%, यानी अगर हम बोलें कि 10 करोड़ के आसपास MSMEs या व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं जिनके माध्यम से हम 30 करोड़ या 40 करोड़ की जनता तक पहुंच सकते हैं, वो भले कोई भी हो, किसी भी प्रदेश में रहते हो, कुछ भी मानने वाले हो, लेकिन हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए कि उनके घर में खुशहाली हो, वो अपनी जो मिनिमम एग्जिस्टेंस लेवल है उससे ऊपर जाकर उस लेवल तक पहुँचे जहाँ वो खुद नहीं बल्कि 10-100 हज़ार लोगों को एम्प्लॉय कर सकें और उनको भी खुशहाल कर सकें। और मेरा ये मानना है कि ये जो उसके उसको करने में जो तीन सबसे बड़े खंबे या तीन सबसे बड़े पिलर्स हैं, उसमें पहला और सबसे बड़ा है जागरूकता, अवेयरनेस, नॉलेज, जानकारी, सबसे बड़ा। दूसरा जिस पर हमें काम करना है बहुत ज़्यादा, वो है फाइनेंस का सपोर्ट देना MSMEs को, छोटे उद्योगों को, भले ही वो यहाँ से कुछ दूर रहने वाले गज मुरादाबाद के छोटे छोटे व्यापारी हों, या फिर वो छोटे से गांव में रहने वाले जो हाथ की कारीगरी करने वाले काम, वो भी एक MSME है। और दूसरा जो फाइनेंस की बात बताई मैंने, जिसमें बैंक्स और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब करना चाहते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए हमें एक ब्रिज का काम करना है, एक पुल का काम करना है। और तीसरा यानी मार्केट की पहुँच, जो बहुत ज़रूरी है। और चौथा जो आज के दिन बिना आप उसके बिना नहीं चल सकते, वो है टेक्नोलॉजी। तो ये चार जो पिलर्स हैं, इन पिलर्स को उन तक पहुंचाना, उनको इसका सपोर्ट करना, ताकि उन MSMEs के माध्यम से हर घर में खुशहाल लोग हों, हर घर में पर्याप्त मात्रा में धन हो, पर्याप्त मात्रा में सुख समृद्धि हो। और तभी जब भारत में एक भी ऐसा इंसान नहीं बचेगा जो कि कष्ट में हो, जिसमें तकलीफ हो, या जिसमें किसी भी तरह की उसको परेशानी हो, और वो सारे लोग खुशहाल हों, तभी मैं मानूंगा कि हमारा असली उद्देश्य पूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। आज हम लोगों ने जो किया है, एक तो हम लोग का एक पैनल डिस्कशन था SME कि फर्दर फ्यूचर फंडिंग कैसे करें, फिर हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन था जिसमें हम लोग के डिजिटल एक्सपर्ट्स आए थे, जैसे आज के जो स्टार्टअप हैं उसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं, तो डिजिटलाइजेशन और IT सपोर्ट, तो अपने पास एक्सपर्ट स्पीकर्स थे इसी टॉपिक्स पे, और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक पैनल कंडक्ट किया। फिर अपना एक प्रयास रहता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं तो हम लोग उनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ करते हैं। तो हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग एक नॉलेज शेयरिंग के साथ में रिकग्निशन पार्ट भी रखते हैं। रिकग्निशन पार्ट में हम लोग उन MSMEs और स्टार्टअप्स को रिकग्नाइज़ करते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सेलेंट काम कर रहे हैं, उनको हम लोग एक्सेलेंस अवार्ड देते हैं। तो ये पीपल दोज हु डिज़र्व गेट द अवार्ड, नॉट दोज हु रिजर्व, ये अपने कॉन्सेप्ट लेके, बिकॉज पीठ थपथपाने से, अप्रिशिएट करने से आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है MSMEs के लिए। और हम लोग इसमें बहुत स्टूडेंट्स को भी इंस्पायर करते हैं फॉर फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम लोग का आज एक सेक्शन था फैशन स्टूडेंट्स के द्वारा पावर वॉक, जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो आगे चल के एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, तो उनको भी मोटिवेट करने के लिए हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग उनके द्वारा फैशन इंडस्ट्री में कैसे एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं वो भी था। तो इस तरह पूरे ओवरऑल पूरा प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा, जिसमें बहुत लोग जुड़े और आगे की काफ़ी स्ट्रैटेजीज डिस्कस हुई, नेटवर्किंग मिली, लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का अवसर मिला, और कुछ एक स्टार्टअप्स के ऐसे आइडियाज़ आए जिनसे दूसरे भी, तो एक से जब 100 में आइडियाज़ जाते हैं तो एक्चुअली 100 गुना होते हैं,
एक और एक 11 नहीं 111 होते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बार फिर से MSME को लेकर एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम यहाँ पर रचा गया है, क्योंकि मैं खुद फिल्म टेलीविज़न मीडिया आर्ट और कल्चर के क्षेत्र से हूँ। ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि 99% जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस फिल्म टीवी मीडिया आर्ट कल्चर यानी कि जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई हैं वो सभी MSME का हिस्सा हैं। ये शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम रहा होगा अब तक, और क्योंकि मैं खुद इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अध्यक्ष हूँ, और इस चैम्बर के ज़रिए हम लोग तमाम इन MSMEओं को जो कि क्रिएटिव वर्ल्ड का हिस्सा हैं उन्हें प्रमोट करने में लगे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो एक नए स्टार्टअप को मिल सकती हैं, जो पुराने हैं उन्हें भी बड़ी आसानी से बैंक लोन मिल सकते हैं, चाहे वो फिल्म स्टूडियो है, एडिटिंग स्टूडियो है, चाहे कैमराज हैं, इक्विपमेंट है, चाहे और भी कोई क्रिएटिव आर्ट आप शुरू करना चाहते हैं, तो आपको आज की डेट के अंदर बड़ी आसानी से बैंक लोन मिल सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये बात जितनी ज़्यादा दूर तक जाएगी उतने ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे। पेंडेमिक से पहले तकरीबन 1,80,000 करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री थी, और सबसे बड़ी जंप अगर किसी ने ली है पेंडेमिक के बाद तो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने जंप ली है। 12% के रेट के हिसाब से हमारी इस पूरी इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है। हम लोग 3,80,000 करोड़ की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कैसी इंडस्ट्री है जिसमें तकरीबन 1 करोड़ आदमी काम करता है जो अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है, और इतना ही नहीं बल्कि ये जो इंडस्ट्री है वो 1 करोड़ और लोगों को मदद कर रही है अपनी रोज़ी रोटी कमाने में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, चाहे वो फैशन है, चाहे वो इंटीरियर है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, जो कुछ भी इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ता है वो भी आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं तो इतना ही कहूँगा कि मुझे यहाँ सौभाग्य मिला बात करने का, और देश भर और दिल्ली के हर कोने से इस वक्त यहाँ पर लोग मौजूद हैं। लोग जब बातें सुनते हैं तो उन्हें समझ आती है और वही समझ उनको आगे लेके जाती है। थैंक यू सर। भारत का जो MSME सेक्टर है वो लगातार बढ़ रहा है, और सही मानों में कहूँ तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी है। और आज जो उद्यम प्लेटफॉर्म जो भारत सरकार ने इसके लिए जारी किया है उसमें 1.85 करोड़ यूनिट्स ने अपने आप को रजिस्टर कराया है, और जिसमें 11 करोड़ 71 लाख लोग इसके अंदर एम्प्लॉयड हैं, जबकि आंकड़ों के हिसाब से करीब 6 करोड़ ऐसी यूनिट्स हैं। तो धीरे धीरे जो भारत का जो MSME सेक्टर है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन उसका हो रहा है, और भारत सरकार ने मोदी सरकार ने लगातार MSME की चिंता की है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि इस देश में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन वो चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व लोग हों, और MSME सेक्टर उसी को ध्यान में रखते हुए इसको प्रमोट करना, इसकी चिंता करना के लोगों की यूनिट कैसे लगे, उनको फिनेंस कैसे मिले, जब उनकी सेल हो जाए तो उनका पैसा कैसे वापस आए, ये सारी चिंताएं भारत सरकार कर रही है और लगातार MSME की हैंड होल्डिंग कर रही है, जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत रहती है उसकी मदद कर रही है। और आज का जो सेमिनार और जिसको हम कह सकते हैं सिंपोजियम, ये ऐसी चीज़ें लगातार होती रहनी चाहिए जिससे कि विचारों का आदान प्रदान होता है और इससे नए विचार भी सामने आते हैं और सरकारों के लिए भी इसके अंदर बहुत सारे सुझाव निकलते हैं। मैं PhD चैम्बर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद और उसका आभारी हूँ कि ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी होते रहने चाहिए। थैंक यू। इसको पकड़ लो भाई, रोल। नमस्कार, मैं हूं अभिनव। नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी, और मेरे साथ हैं परम श्रद्धेय आदरणीय श्री रजनीश गोयनका जी। मैं इनको MSME का भीष्म पितामह कहता हूं। रजनीश जी, कैसा लग रहा है आज कलकत्ते के सब लोग पधारे हैं यहां पर? देखिए, आज एक नई फीलिंग आ रही है कि जिन MSMEs को पहले भाव नहीं मिलता था, आज वो इतने स्प्रेड कर गए हैं कि कलकत्ता से MSMEs दे हैव कम टू दिल्ली टू टेल द दिल्ली MSMEs टू थिंक ऑफ ग्रोथ। आज वो बता रहे हैं कि IPO कितना 100 करोड़ का था,
went off to 10,000 crores. So we are getting insight that we can grow leaps and bounds. अब ये पुराने दिन नहीं रह गए कि बड़े लोग ही सिर्फ ग्रो कर सकते हैं. MSMEs have the opportunity to grow. और आज का जो प्रोग्राम है या हम जो कर रहे हैं, हम यही समझाते हैं MSMEs को कि अपनी उस कन्विक्शन से बाहर निकलो एंड ट्राई टू थिंक ऑफ स्काइज. अगर धीरू भाई अम्बानी था, किस टाइम वो MSME था और उसके बाद वो धीरू भाई अम्बानी बना, उन्होंने इतनी बड़ी कॉरपोरेट खड़ी की. मतलब आपका ये कहना है कि स्मॉल इज बिग, सोच बड़ी होनी चाहिए. सोच बड़ी होनी चाहिए और अपने आप में करेज होना चाहिए. हम जो एक स्लोगन दिया हमने, ट्रांसफॉर्मिंग जॉब सीकर्स टू जॉब क्रिएटर, अगर आप ये सोच के रहो कि भाई मेरे को तो 5 तारीख को चेक चाहिए, तो आप लिमिट हो जाओगे. और अगर आप में करेज है कि यू कैन टेक द रिस्क एंड यू कैन एक्सेप्ट द चैलेंजेस, देन यू स्काई इज द लिमिट एंड देन यू कैन मेक मनी. इंस्टेड ऑफ यू बीइंग एन एम्प्लॉय, यू कैन एम्प्लॉय 100 पीपल एंड बी द बॉस. तो वो सोच जो है वो अब आ रही है और मैं उसके लिए मोदी जी को इसलिए बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि 2014 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने जी, और मेरे को मौका मिला उनके साथ अमेरिका जाने का, और उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि MSMEs को प्रमोट करो. मेरे को कई दोस्तों ने कहा यार क्या MSMEs के पीछे लग गए, आप तो जेब से पैसा लगा के काम करते हैं. उन्होंने कहा कॉर्पोरेट्स के लिए काम करो. बट आई फाउंड दैट देर इज ए वैक्यूम इन दिस सेक्टर. आई केप्ट ऑन डूइंग एंड फाइनली आज देखिए कि आज MSMEs को सारा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है. मेरे को रशिया ने इनवाइट किया टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिया इज ग्रोइंग इन MSME. दे वांट टू ग्रो. इंडिया इज टुडे 99% MSME एंड रशिया इज जस्ट 23%. सो इस करके एंड इंडियन हम लोग तो हैं ही एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरल जीन्स है हमें. 1000 ईयर्स भी आप पीछे देखिए तो हम तो जॉब करते हैं, नौकरी करता ही नहीं था कोई, सारे काम करते थे, एंटरप्रेन्योर थे. मैंने भी कभी नहीं की सर. यस, सो मैं ये समझता हूँ कि जो अंग्रेज़ों ने हमें नौकर बनाया, हमें उस सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है. और सारा वर्ल्ड देख रहा है कि एक चाइना का ऑल्टरनेटिव चाहिए. That's right. चाइना ने जिस तरह से वर्ल्ड को चीट किया है, सॉरी टू से अंडर मीडिया, इंडिया ने इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज मोस्ट रिलायबल एंड डिपेंडेबल. थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एनी थिंग नो पीपल यूज टू कम टू इंडिया. मैं उस दिन टीवी पे रेडियो में सुना, मुझे खुद नहीं पता था कि वास्कोटी गामा, हमें तो लगा वो रूट ढूंढने आया था. नो, तो लूटने ही केम हियर टू लूट अस. मेरे को उस दिन सुना कि वो जो ये काली मिर्च होती है. सर मैं तो आई वाज आई हैव डन माय मास्टर्स इन हिस्ट्री फ्रॉम सेंट स्टीफन्स कॉलेज. आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है. वो तो सो हम लोगों को लूटा, हम लोगों को नौकर बना दिया. अब दोबारा से वो वक्त आया है. मैं मोदी जी का पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा. उन्होंने जो विजन हमें दिया, यूथ को दिया, हम एंटरप्रेन्योर्स को दिया, इंडिया इज गोइंग टू रूल द वर्ल्ड इन कमिंग 10 ईयर्स, आई टेल यू. एंड उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन MSMEs की और यूथ की होगी. सो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं यूथ और युवाओं को कहना चाहूँगा कि अपने मालिक खुद बनो, बी योर बॉस इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय. और जो एक आदमी एक नौकरी छोड़ के बिजनेस में आता है, वो एवरेज 5 लोगों को जॉब देता है. तो देश में इतनी जॉब्स है नहीं. हर आदमी अगर नौकरी चाहिए, सरकार कहाँ से लाएगी. हम जॉब क्रिएटर बने. जैसे मैंने बताया, एवरेज आप छोड़ के 5 जनों, एक तो आप अपनी जॉब की जगह छोड़ेंगे, 5 जनों को और जॉब. फिर सबसे बड़ा है कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो MSME से बढ़ेगा. आप जॉब करोगे, आपकी जॉब लग गई बॉम्बे, माता पिता को छोड़ के आप बॉम्बे चले जाओगे. सोशल स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है.
अगर आप अपना काम करते हो तो माँ बाप के पास अपने घर में रहो, फ्लाइट बचेगी, रूरल अर्बन फ्लाइट बचेगी, वो बचेगी और आपने सोशल स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होगा। इट्स नॉट ओनली मेकिंग मनी, इट्स ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग। तो आपका कहना है उनका जी कि अपने जहाँ हैं वहीं रह के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। सर आज गांव जो है आप देखिए, गांव खाली होते जा रहे हैं। फार्मर का बेटा, किसान का बेटा, वो खेती बाड़ी नहीं करना है पंजाब। सो इस करके मेरा कहना है कि एंटरप्रेन्योरशिप विल स्टॉप दिस माइग्रेशन टू एन एक्सटेंट। अगर आप गांव में अपनी एंटरप्राइज करते हो, अपने माँ बाप के पास रहते हो, चलो आपको खेती नहीं भी करनी, आप वहाँ के काम करो। अब इतनी अपॉर्चुनिटी गांव पे, इतना फोकस है, इवन मल्टीनेशनल कंपनीज दे आर लुकिंग फॉर टायर टू टायर थ्री सिटीज एंड गोइंग टू द विलेजेस, वहाँ पर स्पेंडिंग पावर बढ़ी है। तो इससे बहुत देश का जो सिस्टम है, सेटअप है, वो ठीक होने वाला है। MSMEs has to grow। और आपका ये 10th MSME Expo होने जा रहा है 22। ये हम जो एक्सपो है MSMEs की प्रमोशन के लिए करते हैं हर साल। दिस इज ए प्रगति में, वही दस मोदी जी ने 2014 में स्लोगन दिया, दिस इज ए प्लेटफॉर्म वेयर वी ब्रिंग द SMEs, MSMEs एंड ब्रिंग द अदर स्टेक होल्डर्स, जैसे बायर सेलर्स हैं, फ्रेंचाइजीज हैं और हैं, उनको हम कनेक्ट करते हैं। मैंने तो आपके साथ मैं जुड़ा रहा हूँ। You are the beginner when you we started, you were there and और देखिए आज कितनी बड़ी बात है कि नवनीत सहगल जी आज प्रसार भारती के चेयरमैन बन गए हैं, तो वहीं पर he had been very supportive. आज ही मेरी बात हुई, he said परसों बैठिए मिलते हैं। चलिए, so nice of you, thank you so much, thank you so much। बहुत श्री रजनीश गोयनका जी हमारे साथ, अभिनव चतुर्वेदी, जेड न्यूज। आज जो ये MSME का जो ये फंक्शन रखा गया है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए, और आज आपको यहाँ पे एक अवार्ड मिला है, उसके बारे में बताइए कि आपको ये अवार्ड किस लिए मिला है। नमस्कार, मैं सफीना जोसेफ, प्रेसिडेंट नारी शक्ति वुमेन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट, कर्नाटका बेस्ड एक ट्रस्ट है, और हमारे पास 3 लाख महिलाओं का स्ट्रेंथ है जिन्हें हम रोज़गार देते हैं। आज मुझे प्रज्ञा जी ने ये मौका दिया मासा से कि आज मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित रही हूँ, और मुझे ये अवार्ड मिला है फॉर द एक्सलेंसी अवार्ड एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे। जिस तरीके से हम लोग महिलाओं को रोज़गार देते हैं, और MSME का बहुत बड़ा रोल है आज के दौर पे, जैसे हमारी सरकार ने ये एक बेनिफिट हमें दिया है, इसे अवेल करने के लिए मैं सोच रही हूँ कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करूँ, वो शायद तभी महिलाओं तक वो मैसेज पहुँचेगा कि हम इसे कैसे अवेल कर सकें, क्योंकि कईयों को तो MSME के बारे में पता भी नहीं है, उस पर क्या बेनिफिट्स हैं उन्हें पता ही नहीं है। तो मेरी आज से ये अवेयरनेस कैंपेन शुरू हो जाएगी MSME के लिए। Thank you.
I don't know.